शुरू कर सकते हैं। इसमें हम एक एक करके लेटर्स सीखेंगे, फिर लेटर्स का यूज़ सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर रोज़ भी आप एक लेक्चर अटेंड करेंगे दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से लेटर्स हैं और इनका क्या यूज़ है। देखो, अक्सर आपने एक ये वाला और एक ये वाला लेटर देखा होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, हम लिखे, आपने कभी अगर उर्दू पढ़ी हो तो अमरूद है ना, और एक तरफ हम लिखते हैं आम। तो अब ये बताइए कि ये वाला जो अलिफ है और ये वाला जो अलिफ है इसमें फ़र्क क्या है। जैसे अमरूद है, अमरूद, आ की कितनी आवाज़ आ रही है अंदाज़ा लगाइए। फिर आम, तो आ की बड़ी आवाज़ आ रही है ना। तो अलिफ अगर हम सादा लिख रहे हैं तो उसके लिए जैसे हम अमरूद में जो अलिफ यूज़ करते हैं या अखरोट में जो अलिफ यूज़ करते हैं उसमें कम अलिफ की साउंड आ रही है, आ की साउंड कम आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे सिर्फ अलिफ लिखेंगे वहाँ पर, अमरूद में, अखरोट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं आग, आग, आरी, तो इन दोनों में हमें मद लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आ की साउंड बड़ी आ रही है, आग, आरी, है ना। इसी तरीके से ठीक। अब ये देखिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक लीजिए, वहां पे दो तीन बार बनाने की कोशिश कीजिए, अलिफ और ये अलिफ मद सीधा बनाइए, ऊपर मत बना दीजिए, सीधा बनाइए मत बना दीजिए, ठीक है। चार बार कम से कम लिखने की प्रैक्टिस आप करेंगे अपनी नोटबुक में। और इन तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाना है आपसे, ठीक है। तो अनार, 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 अंदाज़ा लगाइए, आवाज़ कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, अनार, अनार कम आ रही है, ठीक है, तो अलिफ आएगा। दूसरा है आँख, 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 इसमें सिर्फ अलिफ आएगा। अलमारी, अलमारी, अलिफ, आम, आम, तो इसमें अलिफ मद आएगा, ठीक है। आंख में भी मद आएगा क्योंकि आंख में बड़ी आवाज आ रही है ना, आंख, है ना, आंख। तो इस तरीके से आपको, आप ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद में दो पिक्चर्स और हैं, अंडा, अंडा, ठीक है, आलू, आलू, ये आपको करनी है एक्सरसाइज, जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिएगा, और इसमें आप साउंड के हिसाब से इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।